लक्ष्मी, दोपहर को तुमने ठीक से खाना नहीं खाया। मैंने उपमा बनाया है, आओ बेटी खा लो। चलो खा लो। हाँ, यही एक काम टाइम टू टाइम होता है। इतने गुस्से से क्यों बात कर रही हो? दामाद जी कहाँ गए हैं? पैसे के लिए दौड़ रहे हैं। ब्याज नहीं भरेंगे तो घर जब्त हो जाएगा। फिर बाकी लोग जो टोंट मारकर बात कर रहे, सुनकर मैं मर ही जाऊंगी। ऐसे क्यों बोल रही हो? और साथ में मैंने भाड़े पर एक घर देखने के लिए कहा है। लेकिन क्यों? ये सब कितने दिन चलेगा माँ? हम लोगों को घर नहीं चाहिए क्या? हम लोग क्या सड़क पर खड़े रहेंगे? आप लोग अलग हो रहे हो क्या? हाँ माँ, हम लोग यहाँ रहेंगे तो कितना अपमान सहना पड़ेगा पता नहीं। लक्ष्मी, गणेश के पास पैसा नहीं है, यही तकलीफ है क्या? माँ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बेटे के पास कुछ कम है। क्यों बेटा, तुम इस तरह की बात कर रही हो? तब मैं सबके सामने कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन अब मैं बोलना चाहती हूँ। क्या बोलने वाली हो तुम? संगीता की शादी होते ही गणेश की भी शादी हो गई। घर पर भी तो खर्चे बढ़ रहे हैं बेटा। वो आनंद भवन को संभाल कर घर भी कैसे संभाल सकता है बेटी? दामाद जी ने बिजनेस करना है कहकर घर के कागजात मांग लिए, दे दिए। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें टॉन्ट मार रही हूँ। पैसे भी देकर ब्याज भी कैसे दे सकते हैं बेटी? इसलिए तुम्हारे पापा थोड़े नाराज हैं। किससे नाराज है? इनसे है क्या? ये देखो लक्ष्मी, जब वो खुद चार पांच जगहों पर पैसे ढूंढने के लिए जाएंगे तभी तो जिम्मेदारी आएगी। अभी तो पैसे मांगने के लिए बोल रहे हैं ना। मांग कर देखने तो दो, नहीं मिलेगा तो फिर बाद में देख लेंगे। ये देखो, परिवार में तो एक दूसरे से लड़ाई करना, झगड़ा करना, गुस्सा करना, ये सब तो चलता ही रहता है। इस सब को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। नहीं माँ, मुझे भी समझ में आ रहा है, लेकिन मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। ये देखो, इस प्रॉब्लम की वजह से तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों के ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा, समझ गई ना? कितने रुपए? 20 रुपए सर। 20 रुपए? हाँ। अच्छा अच्छा। नंबर 5। हाँ यही है। क्या जी, घर पर कोई नहीं है? क्या हिंदी में बात कर रही हो? घर पर कोई नहीं है सब वो आप ही पूछो। घर पर कोई नहीं है क्या? कौन है, जरा अंदर आइए तो। मैं हूँ छोटी माँ, रघु। रघु है क्या? हाँ, हाँ आओ, आओ आओ। ये चंद्रा है ना, कैसे हो तुम लोग? अच्छा, इस घर आने का रास्ता तुम्हें अभी दिखा है क्या? तकलीफ हुई माँ, पुराने घर गया तो उन्होंने बताया आप यहाँ गए हो, तो रास्ता पूछ। मैं वो नहीं पूछ रही हूँ, कितने सालों बाद तुम आए हो इस घर में? हाँ छोटी माँ, हम लोगों को 10 साल हो गए हैं नॉर्थ साइड में सेटल हुए। यहाँ आने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था। छोटी माँ, छोटे पापा घर पर नहीं है क्या? वो होटल गए हैं, अभी आ जाएंगे। वो सब रहने दो, मैं तुमसे नाराज हूँ। गणेश की शादी की मैंने पत्रिका भी भेजी थी, लेकिन कोई भी नहीं आया। क्या छोटी माँ, पापा की उम्र हो गई है, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, उन्हें अकेला छोड़कर कैसे आता? इस बार बड़ी मुश्किल से आया हूँ। चंद्रा की छोटी बहन की शादी है ना, मेरे बिना कैसे होगी, इसीलिए आया। हाँ, यानी चंद्रा के लिए तू आया है ना? छोटी माँ, ये तो गणेश की बीवी है। ओह कीर्तना, ये कौन है पता है तुम्हें? मेरे जो देवर जी है ना, वही पापा के भाई, उनका बेटा और उनकी बहू। गणेश के भैया भाभी है ये, तुम्हारी भैया भाभी की कमी पूरी करने आए है। नमस्ते, बहुत अच्छी लड़की है। हाँ ठीक है ठीक है, तुम लोग नहा कर आओ, खाना खाते हैं। क्या छोटी माँ, आपके बहू के चेहरे पर तो जरा भी मुस्कुराहट नहीं, चिड़चिड़ी है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो। पापा, दवाई। बेटी गंगा, मूर्ति का पैसा सब अपने हाथ में आ गया है, उसके बाद तुम्हें जरूर नौकरी मिल जाएगी। थोड़ा लेट हो सकता है, नौकरी मिलने के बाद तुम उसे करना चाहोगी ना? पापा, मैंने कुछ अलग सोचा हुआ है। क्या? बोलो बोलो बेटी। मेरा सिर्फ एक ही बच्चा है और वो भी लड़की है, उसके फ्यूचर के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं बेटी। वही पापा,
आपके पैसों को और उनके पैसों को फिक्स डिपॉजिट में डाल दूंगी मैं। अपना परिवार चलाने के लिए मैं खुद ही मेहनत करना चाहती हूँ पापा। रानी की तरह जी रही थी ये बेटी, और अब कैसे हालात हो गए? अब जो भी है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। कोई दूसरी नौकरी ढूंढ रही हो जिसे तुम करना चाहती हो? मेरे हाथ में एक बिजनेस है पापा। भरतनाट्यम? क्या? हाँ पापा, पहले की तरह मैं चाहती हूँ कि प्रोग्राम करना शुरू कर दूँ। पापा, मैंने जो बोला आपको पसंद नहीं आया? ऐसी बात नहीं बेटी, तुम जो भी फैसला लेती हो वो अच्छा ही होता है। मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा बेटी। तो फिर क्या पापा? गंगा, चाहे नाट्यम हो चाहे संगीत हो, उसके करने से मन को शांति तो मिलती ही है, और वो चेहरे पर दिखता भी है। माथे पर कुमकुम लगाकर, बालों में गजरा लगाकर तुम पूरा श्रृंगार करोगी, तुम्हारा दिल मानेगा क्या? जरा सोच कर देखो। पापा, एक विधवा होने के बाद क्या ये सब मैं नहीं कर सकती? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बेटा, तुम बिंदी लगाओ गजरा लगाओ ये मेरी आशा है। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बार बार मूर्ति की याद आती है, वो मेरे मन को बहुत कष्ट देता है। इतना ही सिर्फ नहीं बेटी, मैं ये कह रहा था जब मूर्ति था तो तुम कितनी खुश रहती थी, अगर तुम उतनी ही खुश रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझसे सहन नहीं होता बेटी। पापा, अपनी पसंद का काम करने से मन को आत्मविश्वास और खुशी मिलती है ना? जरूर बेटी, मैं अभी सभा के सभी लोगों से बात करता हूँ। गंगा, गंगा आकर खाना खा लो। पापा, ये सब क्या है? आपने खाना क्यों बनाया? मैं खुद बना लेती ना, आपको आराम करना चाहिए। अब भगवान ने मुझे पहले से ज्यादा शक्ति दे दी है बेटी, जब ऐसे ही जीना है तो फिर उसे कौन बदल सकता है? देखो घंटी कौन बजा रहा है। देखती हूँ पापा। आओ माँ, आओ दुर्गा। गंगा, कैसी हो बेटी? अब कैसी रहूंगी माँ। आइए, आप सब कैसे हैं? गंगा, सबको खाने के लिए बोलो ना बेटी। हम यहाँ पर खाना खाने नहीं आए हैं, गंगा को हम लोग अपने घर पे ले जाने के लिए आए हैं। तुम रुको बेटी, मैं जाकर देखता हूँ, चलो बैठो। बैठो माँ। कैसी थी ये लड़की, अब कैसी हो गई है देखो। भगवान इतने कष्ट क्यों दे रहा है पता नहीं, इसे ऐसा देखकर माँ का दिल तो जलेगा ही ना। बस बहुत हो गया माँ, जो हो गया उसके बारे में मत बोलो। क्या गंगा, अब और कितने दिन इस घर में तुम यूं ही बैठी रहोगी? अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? उनका फिक्स डिपॉजिट मुझे मिल जाएगा, लेकिन नौकरी मिलने में थोड़ा टाइम जाएगा, उसके लिए मैं पेपर्स इकट्ठे कर रही हूँ। सुनो बेटा, तुम नौकरी कर पाओगी क्या? बिना नौकरी किए इस घर में इस बुड्ढे और इस बच्चे की सेवा करके जिंदगी बिता दोगी क्या? खाने के लिए क्या करोगी, जीना है कि नहीं? गंगा, तू अपने घर पर आ जाओ बेटी, तुम्हें देखने की जिम्मेदारी हमारी भी है। माँ पैसा क्यों कह रही है, मैं पापा को छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? हाँ हाँ, जैसे तेरे खुद के पापा हैं, तू भी ना बिल्कुल पागल हो गई है क्या? पति चला गया तो फिर काहे के ससुर जी? मेरी बात सुन, इस बुड्ढे को वृद्ध आश्रम में और इस बच्चे को अनाथालय में छोड़कर चुपचाप अपने घर चली आ तू, बेवजह इन सबका भार अपने सर पे क्यों उठाएगी? अब क्या सोच रही है तू? नहीं, तुम्हें मुंह से बोलकर यहाँ से बाहर फेंकूं या तुम्हारी चोटी पकड़कर यहाँ से निकालूं, यही सोच रही हूँ। क्या कहा? अरे गंगा, तुम भी ऐसी बातें करोगी क्या? माँ तुम चुप रहो, अब उसका कोई रिश्ता नहीं चाहिए। जब पति जिंदा है तब भी सासू माँ को बदनाम कर रही है। मैं अपने ससुर को भगवान की तरह मानती हूँ, और जो इस तरह इज्जत दिए बिना बात करते हैं उन्हें तो मैं घर में ही आने ना दूँ। ससुर भगवान है तो मंदिर बना के प्रार्थना कर ले, मना कौन कर रहा है? मेरी बात सुनो दुर्गा, इस तरह बात करनी है तो इस घर में कदम मत रखना, और ऐसी ही बातें करनी है तो अभी निकल जाओ यहाँ से। माँ तुम चलो यहाँ से, चलो चलो ना माँ। हाथ छोड़ो मेरा, तुम भी ना ऐसी बात करने की जरूरत थी? तो क्या हुआ, वो कुछ भी बोल देगी क्या? मुंह बंद करो अपना। गंगा तुम तो उसकी आदत जानती हो ना,
तुम भी उसी की तरह बातें करोगी क्या? क्या कह रही हो माँ? वो पापा को आश्रम छोड़ने की बात कर रही है, तो मैं चुप कैसे रहूँ माँ? ये देखो माँ, अभी भाभी अगर आपको और पापा को वृद्धाश्रम छोड़ने की बात करे, आप चुप रहेंगी क्या? ऐसी बात क्यों करेगी वो? अगर बात करी भी तो मेरे माँ बाप तुम्हारे ससुर के जैसे अनाथ नहीं है, गणेश ही नहीं, हम 5 लड़कियाँ भी हैं, देखभाल कर लेंगे। किसी ने भी नहीं देखा ना, तो भी अपने माँ बाप को अपने घर ले जा सकती हूँ मैं। देखो दुर्गा, उनके जाने के बाद भी मैं माँ के घर रहूँ मेरा ऐसा मन नहीं हुआ, लेकिन तुम जब जीजा जी हैं माँ के घर पर क्यों पड़ी रहती हो? पहले तुम अपने ससुराल जाकर सुधरने का काम देखो, उसके बाद माँ बाप के जीने के बारे में बात करना। तुम चुप करो, क्या मैं तुम्हारे घर पर आकर बैठी हूँ? मेरे माँ बाप के घर पे रहती हूँ ना, उसके बारे में बात करने का किसी को कोई हक नहीं। अरे हम तो इसकी मदद के लिए आए थे और ये तो हमें ही 4 बातें सुना रही है। आज के बाद इसके घर कभी नहीं आऊंगी। चलो ना माँ, चलो, यहाँ खड़ी मत रहो। हाँ जाओ, वैसे भी तुम जैसे लोग ना ही आए तो ही अच्छा है, बस अच्छे लोग ही आने चाहिए। पापा, उसकी उन बातों के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ पापा। आइए खाना खाते हैं। गंगा बैठो। खाना खाओ बेटी। गंगा, मैं कुछ कहूं तो गलत मत समझना। कहिए ना पापा। वो तुम्हारे मायके के लोग हैं, पति खोकर अकेली हो, इस बात की चिंता करके वो बोल रहे थे। इसमें क्या गलत है बेटी? मैं भी कहना चाहता हूं कि कभी कभी मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या लग रहा है पापा? उम्र हो गई है, बूढ़ा हो चुका हूं, कितने दिन और मैं जिंदा रह सकता हूँ? पापा, आप जो बोल रहे हैं वो मैं मान लेती हूँ, लेकिन आपको वहाँ भेजने की बात उसने क्यों की? मुझे बोला ना बेटी, बोलने दो ना उसे। वो ऐसा क्यों बोल सकती है? उसके पास यही सब बकवास बातें हैं, पहले जीजा जी और आज ये मुझसे खरी खोटी सुनकर गई है। आप देखना आज के बाद वो यहाँ नहीं आएगी।